बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नोरथराम लोरोली आप देखना शुरू कर चुका हूं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। कल एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई थी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर दलित समुदाय के जो लोग भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति के समीप स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उन पर कुछ जातिवादी लोगों ने, आपको बता दें कि पथराव किया था, उनके साथ मारपीट की थी, गंभीर चोटें भी किसी लोगों को आई, महिलाओं के मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, इस तरीके की तस्वीरें आई थी और इसकी खबर अंबेडकर पीपल्स वॉइस पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दरअसल आपको बता दें इस मामले में वैसे तो बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कल शाम को ही वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन आज पार्टी के प्रदेश लेवल के जो स्तर के नेता हैं वो आपको बता दें कि वहां पर पहुंचे थे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात उन्होंने की और जो आपको बता दें कि आरोपी है उनको गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों की भी मांग है वो प्रशासन से की। इसके दौरान आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के पीड़ित परिवार के पूरी तरीके से साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेता सीपी सिंह के नेतृत्व में आपको बता दें कि पदाधिकारी पहुंचे थे। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।